वेलकम टू योर ऑन क्लासेस डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट टू, जिसमें कि एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम में देख के मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग ऑफ बेसिस इन इंडिया बाय सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इंडियन सर्वे में? तो इसमें जो होगा ऑप्शन वो होगा कि हम कॉलेप्स अपरेटस यूज़ करते हैं कि हम शॉर्ट बेस यूज़ करते हैं कि इनमें से कोई यूज़ नहीं करते हैं। तो जो ऑप्शन होगा वो कॉलेप्स पे अपरेटस यूज़ करते हैं। कॉलेप्स पे ऑपरेटर किससे कौन कौन से मिलकर बना होता है? कॉलेप्स पे ऑपरेटर आयरन और ब्रास से मिलकर बना होता है, जिसका जो 1.5 मीटर लंबा होता है और एक साइड फिक्स टुगेदर होता है एट मिडिल मीन्स ऑफ टू साइन पेंच के साथ होता है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ये कि इन ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑफ अ टेलीस्कोप विच कंपाउंड लेंस फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन इज टर्म्ड एज। इसमें से कौन सा ऑप्टिकल कैरेक्टर है टेलीस्कोप का जो कि फ्री कंपाउंड लेंस के फ्री क्रोमेटिक ऑपरेशन के टर्म में हम दिखा सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा आपका क्रोनोमेटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन यूजिंग करेक्टर बाय द टू लेंस इज बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस इज टुगेदर टू ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होगा कि आपका इल्यूमिनेशन हो जाएगा, इल्यूमिनेशन। मैच ऑफ द फॉलोइंग आइटम लिस्ट वन फीचर ऑफ द कंटूर लाइन विच ऑफ दोज ऑफ लिस्ट टू टाइप ऑफ फीचर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विथ गिविंग कोड। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि फर्स्ट लिस्ट में दे देगा कि फीचर ऑफ कंटूर लाइन है और सेकंड में देगा टाइप ऑफ फीचर, किस टाइप का फीचर है। तो आपको ये आपको मैच कराना है, इसमें ज़्यादा समय ले। तो देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा कि कंटूरिंग लाइन विच हाई वॉल्यूम इनसाइड ऑफ देम, कंटूरिंग लाइन जो होता है वो हाई वैल्यू इनसाइड होता है। तो इस ये हो जाएगा किसमें हाई वैल्यू ऑफ इनसाइड होता है, तो हिल में हाई वैल्यू इनसाइड होता है। कंटूरिंग लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन अनदर, तो क्रॉस वन अनदर किस में होगा, तो क्रॉस ऑन वन अनदर हो जाए ओवर हैंगिंग क्लिफ में। जो भी कंटूरिंग लाइन होगा एक दूसरे के डिफरेंस में एलिवेशन होगा, किसमें, तो ओवर हैंगिंग क्लिफ में। कंटूर लाइन आर क्लोजली स्पेस्ड, किसमें कंटूर लाइन क्लोजली स्पेस होता है, तो जो स्टीपर स्लोप होता है उसमें को जो होता है वो मेरा कंटूरिंग लाइन वो क्लोजली स्पेड होता है। जो लास्ट है कंटूरिंग लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनिट ऑफ द फॉर्म वन लाइन, एक लाइन में किसमें जाता है, तो वर्टिकल क्लिफ से मेरा फिगर बनता है उसमें जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ लोकेटिंग ग्राउंड पॉइंट इन इनडायरेक्ट कंटूरिंग। कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है किसका, जो इनडायरेक्टिंग कंटूरिंग जो कि हम ग्राउंड में हम उसको लोकेटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल इसका ऑप्शन है कि क्या स्क्वायर मेथड होगा जो कि हम लोकेटिंग करते हैं ग्राउंड पे, दूसरा जगह वर्टिकल कंटूर और थर्ड जगह बाई क्रॉस सेक्शनल मेथड और फोर्थ जगह बाई क्या टेक्योमेट्रिक मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोकेटिंग ग्राउंड पॉइंट इन डायरेक्ट कंटूरिंग, कि कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है जिसको हम इनडायरेक्ट कंटूरिंग नहीं करते ग्राउंड पे। तो उसको हम किसमें नहीं करते हैं, वर्टिकल कंटूरिंग को नहीं करते हैं, बट हम नहीं तो इसको हम भी करते हैं, स्क्वायर को भी करते हैं, टेक्योमेट्रिक को भी, क्रॉस सेक्शन को भी हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम कंटूरिंग करते हैं हम ग्राउंड पे। तो इसका ये जो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस हैज कॉन्स्टेंट, जो बीम है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस कॉन्स्टेंट है किसमें होता है, तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस में। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला डायरेक्ट पूछ देगा, तो एम आई इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू ई बाई आर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लेवलिंग से, लेवलिंग सर्वे से, कि द सिस्टम दैट यूज द सन एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड रिकॉर्ड द नेचुरली रेडिएटेड एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कौन सा सिस्टम है जो कि सन और सोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अराउंड वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और उसको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट भी करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, पहला जो ऑप्शन है वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, GIS है कि GPS है कि पैसिव रिमोट सेंसर है कि एक्टिव रिमोट सेंसर है। तो जो पैसिव रिमोट सेंसर में होता है वो क्या होता है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, रिकॉर्ड कर चाहिए और उसको नेचुरली हम रिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी को
आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर है, व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन बी ट्रेप ट्रेपिजॉइडल फार्मूला बी यूज इन, के कौन सा सर्कमस्टांस में ट्रेपिजॉइडल फार्मूला यूज करेंगे, तो किस में यूज करेंगे, इसमें जो एग्जांपल हो जाएगा इफ इट इज कंपोज प्रिज्म और वेज में हम क्या यूज करेंगे, ट्रेपिजॉइडल फार्मूला यूज करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्लोब पोजिशन, ये क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इन द जी ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम GPS, देयर आर मोर देन 24 GPS सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कल ऑर्बिट अराउंड द ईच अराउंड द अर्थ विल बी इंक्लाइंड ऑन, कहने का मतलब जो GPS सिस्टम है वो जो 24 सैटेलाइट है वो मूविंग करना है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये जो ऑप्शन दिख जाएगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप घबरा जाइए क्या है कहने, तो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि 55 डिग्री पर इंक्लाइंड है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ EDM इंस्ट्रूमेंट आर दिस बेस्ड ऑन वेव लेंथ, आपको हाउ कितना है EDM इंस्ट्रूमेंट वेव बेस्ड है वेव लेंथ पे, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 3। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि जो आपको याद होने के बावजूद भी आप भूल जाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको गो थ्रू होना चाहिए माइंड में कि क्या होगा, कितना डिग्री पर इंक्लाइंड होगा, कितना EDM इंस्ट्रूमेंट होगा वेवलेंथ के बेस पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेचर एडजस्टमेंट इन अ प्रिज्मेटिक कंपास, जब हम क्वेश्चन देखते थे तो नॉट मुझे नहीं दिखता था, तो आपको नॉट पे टिक लगा देना है कि नॉट अ टेम्परेचर एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, कौन सा ऐसा टेम्पररी एडजस्टमेंट है जिसमें प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ नहीं होता है टेम्पररी, तो इसमें से किसमें यूज़ नहीं होता है, तो एडजस्टमेंट फॉर साइड वेन में हम किसमें का यूज नहीं करते हैं, तो प्रिज्मेटिक कंपास का सेंटरिंग में करते हैं, वेव में लेवलिंग में करते हैं, फोकसिंग ऑफ प्रिज्म का। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब किया, तब तक के लिए जय हिंद, और आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब किया, तब तक के लिए जय हिंद।